बागी 3 रिलीज हो चुकी है। बागी 3 के रिलीज यहां पर 6 मार्च को हुई और अभी तक इस फिल्म ने कमा लिए हैं 80 से 90 करोड़। फिल्म का कलेक्शन धीरे धीरे ही आगे बढ़ पा रहा है। अभी तक इस फिल्म ने 100 करोड़ का ये आंकड़ा भी पूरा नहीं किया है, जबकि वीकेंड पूरी तरह से खत्म हो चुका है, वीकडेज निकल चुके हैं और फिल्म को भले ही फैंस अपनी ओर से पसंद कर रहे हों, लेकिन दिल्ली और मुंबई जैसे शहर में इस फिल्म को खासा पसंद नहीं किया जा रहा है। फिल्म की स्टोरी की वजह से, बागी एक फ्रेंचाइजी है और साजिद नाडियाडवाला की इस फिल्म को फैंस अभी तक भरपूर प्यार देते हुए देखे गए हैं। बागी 1, बागी 2 और बागी 3 एक हमेशा ही अलग कॉम्पिटिशन में एक दूसरे से रही हैं। और जहां बागी 3 का रिस्पांस कम निकल कर सामने आया है बागी 1 और बागी 2 से, उसी बीच फिर भी अब तैयारियां शुरू हो चुकी है बागी 4 की। जी हाँ, बागी 4 भी आप सभी के सामने लेकर आई जाएगी। जैसे कि ये फिल्म एक फ्रेंचाइजी फिल्म है, इसको आगे बढ़ाया ही जाएगा और उम्मीद है कि बागी 4, बागी 5, बागी 6 भी आप सभी के सामने आती रहेंगी। हाल ही में टाइगर श्रॉफ से भी बागी 4 को लेकर बातचीत की गई कि क्या बागी 4 सामने आएगी और क्या आप उसके अंदर काम करना पसंद करेंगे। और यहां कहते हुए नजर आए हैं टाइगर श्रॉफ इस बात पर ये कि जब तक उनके पैरों में दम है तब तक वो बागी सीरीज में काम करते रहेंगे और उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद है रॉनी का ये किरदार और रॉनी के किरदार को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। बागी 4 भी जरूर आएगी, मैं उसमें काम करना भी जरूर चाहूंगा। इस फिल्म के यानी कि बागी 3 के जो डायरेक्टर हैं अहमद खान, वो खुद भी बागी 4 को बनाना चाहते हैं। साजिद नाडियाडवाला अपनी बागी सीरीज की वजह से ढेर सारी कमाई भी खूब करते हैं और इसी के साथ साथ ये फिल्म अच्छी है भी, अपने हर एक कॉन्सेप्ट नए तरीके से सामने लेकर आती है जो साजिद नाडियाडवाला की प्रोडक्शन को आगे भी बढ़ा रही है। तो आखिर इस तरह की सीरीज को वो मिस क्यों करेंगे। बागी 4 की तैयारियां अब आप सभी बहुत ही जल्द होते हुए देखने वाले हैं। बता दें कि जहां बागी 3 के अब कलेक्शन की बात की जा रही है 80 से 90 करोड़ और जब तक ये कलेक्शन 200 से 300 तक नहीं पहुंच पाता तब तक यहां प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स का मुश्किल रहेगा बागी 4 को बनाना, क्योंकि जिस तरीके का रिस्पॉन्स बागी 1 का था उतना रिस्पॉन्स बागी 2 को नहीं मिल पाया था। लेकिन कलेक्शन बहुत ही ज्यादा इस फिल्म का बम्पर रहा, लेकिन फैंस को स्टोरी खास पसंद नहीं आई थी और ऐसा ही कुछ बागी 3 के साथ नजर आ रहा है जो बागी 1 और बागी 2 से बहुत ज्यादा नीचे गिर चुकी है। और इस रिस्पांस के साथ बागी 4 को बनाना डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट काम है। वेल, आप सभी को क्या लगता है, बागी 4 वाकई में बननी चाहिए? ये कॉमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलेगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाए।